Hello kids, how are you all? I hope you all are well at home. Am I right? Okay, very good. Okay kids, welcome back to my online class of English. I'm Jyotsna from Wisdom School Sirsa. Do you know kids, we have already learned the phonic sound of letter A, B, C, D, E and F. हम लोग सिक्स लेटर्स की फोनिक साउंड के बारे में तो अच्छे से कर चुके हैं ना, तो आज हम लोग इन सिक्स लेटर्स की फोनिक साउंड को दोबारा से और जल्दी से रिवाइज करते हैं और आगे के दो लेटर्स की फोनिक साउंड को भी अच्छे से पढ़ते हैं. ओके किड्स, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग इन फोनिक साउंड को अच्छे से पढ़ रहे हो और इनको देख रहे हो और बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हो और आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गई है. ओके किड्स, नाउ लुक एट द व्हाइट बोर्ड. पहले हम लोग सिक्स लेटर्स की फोनिक साउंड के बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद हम आगे की टू लेटर्स की फोनिक साउंड को भी करते हैं. ओके, लिसन केयरफुली एंड लुक एट द व्हाइट बोर्ड. दिस इज द लेटर ए. यू ऑल नो दिस इज द लेटर ए एंड द फोनिक साउंड ऑफ लेटर ए इज आ आ आ. इट मीन्स ए फॉर एप्पल, ए फॉर ant and the phonic sound of letter A is a. Okay kids, now come to the next letter B. This is the letter B and the phonic sound of letter B is b b b. B for ball, B for bat, b b b. Okay kids, now come to the letter C. This is the letter C. The phonic sound of letter C is k k k. It means C for cat, C for car, and the phonic sound of letter C is k. Now come to the next letter D. This is the letter D. The phonic sound of letter D is d d d. Okay, D for doll, D for dog, and the phonic sound of letter D is d. Now come to the next letter, letter E. This is the letter E. The phonic sound of letter E is a a a. E for elephant, E for egg, and the phonic sound of letter E is a. Now come to the letter F. The phonic sound of letter F is f. F for fish, F for fan, and the phonic sound of letter F is f. Okay kids, चलो अब हम next two letters की phonic sound के बारे में पढ़ते हैं. Okay kids, after F, letter G. Letter G. Look at the letter G. Okay? This is the letter G. Okay, kids. G for grapes and G for God. Okay kids, G, the phonic sound of letter G is g g g. Okay, listen carefully kids. G for grapes, G for God, g g g. Okay kids, dobara se practice karte hain. G for grapes, G for God, ग ग ग. ओके किड्स, अच्छे से क्लियर हुआ आपको? दोबारा से करें. द फोनिक साउंड ऑफ लेटर जी इज ग ग ग. ओके किड्स, नाउ कम टू द लेटर एच. एच, एच फॉर हॉर्स, एच फॉर हैंड,
फोनिक साउंड को एक बार अच्छे से देखना है कि आपने मैम के माउथ की ओर देखना है कि मैम इसको कैसे प्रोनाउंस कर रही है, कैसे बोल रही है लेटर एच की फोनिक साउंड को. ओके किड्स, द फोनिक साउंड ऑफ लेटर एच इज. ओके, कई बार क्या होता है कि हम लोग कई बार बहुत तेजी से भागते हैं और हम लोग थक जाते हैं तो एकदम से साउंड निकलती है ना, तो वही है इसकी साउंड. ओके, लेटर एच की जो फोनिक साउंड है वो है. ओके किड्स, एच फॉर हॉर्स, एच फॉर हैन. द फोनिक साउंड ऑफ लेटर एच इज. ओके किड्स, आप लोगों को क्लियर हुआ? द फोनिक साउंड ऑफ लेटर जी इज ग ग ग एंड द फोनिक साउंड ऑफ लेटर एच इज. ओके किड्स, एक बार दोबारा से जल्दी से प्रैक्टिस करते हैं लेटर ए टू एच तक. ओके किड्स, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंट एंड द फोनिक साउंड ऑफ लेटर ए इज आ आ. बी फॉर बॉल, बी फॉर बैट, द फोनिक साउंड ऑफ लेटर बी इज ब ब ब. सी फॉर कैट, सी फॉर कार एंड द फोनिक साउंड ऑफ लेटर सी इज ख ख ख. D for doll, D for dog, and the phonic sound of letter D is D, D, D. E for elephant, E for egg, and the phonic sound of letter E is A, A, A. F for fish, F for fan, and the phonic sound of letter F is F, F. G for grapes, G for god, and the phonic sound of letter G is G, G, G. H for horse, H for hen, and the phonic sound of letter H is. Okay kids, तो आप लोगों को घर पर बैठकर इन सभी लेटर्स की फोनिक साउंड को अच्छे से सुनना है, अच्छे से बोलने की प्रैक्टिस करनी है, और हम लोग फिर जब नेक्स्ट क्लास लेंगे तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और आगे के टू लेटर्स की फोनिक साउंड के बारे में भी पढ़ेंगे. Okay kids, bye bye, take care.